हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बनाएंगे इस तरीके के राउंड पिलो। इसको हम बैठने के लिए, चेयर पर रखने के लिए, सोफ़ा पर यूज़ करने के लिए, बहुत सारे तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से बनते हैं और एकदम घर पर ही एकदम जीरो कॉस्ट में बनकर रेडी हो जाते हैं। तो इसके लिए चाहिए कोई भी हमें पुरानी आपके पास टी शर्ट हो या फिर कोई भी पुराना टॉप हो और दो रबड़ बैंड। ना हमें इसको सिलना है, ना हमें इसको काटना है, कोई भी सिलाई नहीं, कोई भी कटिंग नहीं। बहुत ही आसान तरीके से और एकदम झटपट बनने वाला राउंड कवर इसको हम बनाकर तैयार करेंगे। तो आपके पास किसी भी तरीके का कोई भी टॉप हो, फुल आस्तीन का हो, हाफ आस्तीन का हो, या फिर कोई भी जेंट्स टी शर्ट हो, फुल हो, हाफ हो, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, इसको ये हमारी किनारी पर इस तरीके से इलास्टिक है। किसी किसी में आती है कि किनारी फोल्ड होती है, तो वो भी बहुत अच्छी रहती है। मैं आपको आगे उसका यूज़ बताऊँगी। तो इस तरीके से सबसे पहले इसको हम उल्टा कर लेंगे। तो ये मेरा फुल आस्तीन का है और फुल आस्तीन के भी इसमें यूज़ हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं काटना है। ये सारी आस्तीनें अंदर ही फोल्ड हो जाएंगी। अब इस तरीके से इसको हमने उल्टा कर लिया है और अच्छे से इसको सेट कर लेंगे, किनारी से किनारी मिला लेंगे नीचे साइड की पूरी। और अब देखिए इसको क्या करना है हमें। तो यहाँ से हम छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाएंगे, एकदम छोटी छोटी हमें चुन्नट टाइप की बनानी है। इस तरीके से गले के नीचे से हमें इसको डिजाइन को बनाना स्टार्ट करना है। तो छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे और ये देखिए इस आस्तीन से लेके और उस आस्तीन तक हमें इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स बना लेनी है और इधर से एकदम टाइट पकड़ना है हमें। और जो हमने रबड़ बैंड ली थी, कोई भी आप मोटी सी रबड़ बैंड या फिर पतली वाली हो, लेकिन अच्छी सी टाइट रबड़ बैंड लेना है। तो जितनी भी आपकी नॉट आए, तीन आए, चार आए, अच्छे से इसमें लगा देनी है। तो मेरी चार नॉट इसमें ईजिली आ गई हैं। तो बहुत ही टाइट तरीके से हम इसको यहाँ से गले के नीचे से और प्लेट्स बनाकर अच्छे से बांध देंगे। तो ये देखिए हमारा पूरा बहुत ही टाइट तरीके से एकदम बंध गया है और ये हमारा बहुत ही आसान तरीके से कवर बन गया है। और ये देखिए जो हमने छोटी छोटी सी प्लेट बनाई थी, उनकी ये बहुत ही प्यारी सी डिजाइन बनकर आती है। जब इसमें पूरा फिल हो जाएगा तब बहुत ही सुंदर सी डिजाइन इसकी उभर कर आएगी। और ये हमारा बहुत ही आसान तरीके से और बिना काटे बिना सिले कवर बनकर रेडी हो गया है। अब इसमें भरने के लिए चाहिए हमें कोई भी आपके पास कतरन पड़ा हो, कॉटन की रुई पड़ी हो। और देखिए कितने बड़े साइज में ये बन जाता है। लगता है आपको कि छोटा सा टॉप है या फिर छोटी सी टी शर्ट है, जब इसको हम कवर करते हैं आस्तीन को, तो बहुत बड़े साइज में ये बनकर रेडी हो जाता है। तो देखिए कितना बड़ा कवर हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब इसमें भरने के लिए चाहिए हमें कतरन। तो मेरे पास बहुत सारा कतरन पड़ा था और उसी कतरन का हम इसमें यूज करेंगे। तो आप इसमें कोई भी पुराने कपड़े हो, दुपट्टा वगैरह हो, सलवार हो, सूट हो, कोई भी चीज़ आप इसमें अंदर भरने के लिए यूज कर सकते हैं। आपके पास कॉटन पड़ी हो तो आप कॉटन भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए कितने सारे ढेरों पुराने कपड़े मेरे पास पड़े हैं। इस तरीके से दुपट्टे होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, इनको भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो देखिए कितने सारे दुपट्टे मेरे पास पड़े हैं, उनको सबको हम इसमें यूज करेंगे और काफ़ी कतरन भी पड़ा है। तो इस तरीके से हमें इसमें फिल करना है। अगर आपके पास कोई भी पुराना पिलो पड़ा है तो उसकी आप कॉटन निकाल कर इसमें डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा एक यूज़ है। अगर आपके पास जो बीन बैग होते हैं उनके बीन ख़राब हो जाते हैं कभी कभी, तो उनको भी निकाल कर हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो आप इसमें कुछ भी भर सकते हैं। तो इस तरीके से एकदम राउंड में हमें ये भरना है और चारों साइड से छोटी छोटी प्लेट्स बनाकर इसको ऊपर साइड से हमें लॉक कर देना है। तो अच्छे से पूरे पर फैला देना है राउंड से। तो राउंड तरीके से ही हमें इसमें जो कतरन भरेंगे वो भरना है, अच्छे से फैलाकर चारों साइड एकदम बराबरी से भरना है। और अच्छे से इस तरीके से भरकर एक दुपट्टा हमने ऊपर से इस तरीके से फैला दिया है इसके ऊपर। अब जो एक और रबड़ थी उसका यूज हम ऊपर करेंगे। और जो किनारी है मेरे में, तो इसमें इलास्टिक पड़ी है, किसी किसी में ना नीचे से किनारी फोल्ड होती है, तो इसमें कोई भी आप पतली सी डोरी डालकर इसको वैसे खींच सकते हैं, डोरी डालकर और अच्छे से खींच कर उसको नॉट भी लगा सकते हैं, तो वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं अगर आपके में किनारी हो। तो मेरे में इलास्टिक है, तो हम इसको इस तरीके से छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाकर पूरा ऊपर साइड से भी लॉक कर देंगे। तो इसीलिए इसमें मैंने कहा था कि बिना सिले बिना काटे, इसमें कोई भी सिलाई नहीं पड़ती है, ना इसमें कोई भी कैंची की ज़रूरत पड़ती है और पूरा हमारा ये राउंड पिलो बनकर रेडी हो जाएगा। अब जो एक रबड़ थी उसको हम ऊपर बांधने के लिए यूज करेंगे। तो देखिए चारों साइड से एकदम हमारा इक्वल हो गया है
और इसको यहाँ से भी हम अच्छी तीजा नॉट लगा देंगे। ये देखिए एक हो गई और एकदम दो, और इसी तरीके से हमने इसमें तीन नॉट ऊपर साइड से भी एकदम टाइट तरीके से लगा दी है। आपके में जितनी हैं आप उतनी लगा दीजिएगा, और जो किनारी है इसका छोटा सा फ्लावर बना दीजिएगा फैलाते हुए। और अगर आपकी किनारी फोल्ड है तो आप कोई भी पतली डोरी बांधकर इसमें और अच्छे से खींचकर नॉट लगा सकते हैं, तो वो भी बहुत प्यारी डिज़ाइन बनकर आती है। तो ये देखिए, ये तो हमारा बैक हो गया, और फ्रंट साइड से जो हमने छोटी छोटी सी इसमें प्लेट्स बनाई थी उसकी कितनी प्यारी डिज़ाइन बनकर ये तैयार हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, एकदम रेडीमेड वाला ये लुक देता है, तो बहुत ही झटपट बनने वाला बहुत ही अच्छा आइडिया है। ना काटना है ना सिलना है, और कोई भी आपके पास प्यारी सी टी शर्ट पड़ी हो उसको इस तरीके से अपने सोफा के लिए कुशन बना सकते हैं, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो अगर आप दो बनाना चाहते हैं तो कोई भी दो रंग बिरंगी प्यारी सी टी शर्ट या टॉप ले लीजिए, अगर एक बनाना है तो इस तरीके से आप बीच सेंटर पर रख सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही आरामदायक होता है, एकदम फ्री में बनने वाला हमारा ये आइडिया है। तो इस तरीके से आप इसको सोफ़ा पर रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी स्टूल हो या फिर चेयर हो तो चेयर पर भी आप इसको रख सकते हैं, या अगर आपके घर में किसानी होती है, ट्रैक्टर वगैरह है तो ट्रैक्टर वगैरह की सीट पर भी आप इसको रख सकते हैं, तो काफ़ी कंफर्टेबल होता है। बहुत तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं बैठने के लिए, जैसे आप स्टडी कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं तो बड़ा सा बनाकर आप इसको ज़मीन पर रखकर बैठ भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक पिलो का बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बैठने के लिए, योगा करने के लिए, चेयर पर रखने के लिए, स्टूल पर रखने के लिए, ज़मीन में बैठने के लिए। तो फ्रेंड्स, एक छोटे से टॉप से और एक कतरन से, कतरन हो या फिर आपके पास कोई भी कॉटन पड़ी हो, बहुत ही सुंदर सा आप राउंड पिलो बना सकते हैं, और कम से कम 10-12 तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसी तरीके की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पर मैंने बहुत सारी डाल रखी हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर मैंने डोरमेट की डिजाइन है, लॉन्ड्री बैग हैं, बैग हैं, पाउच हैं, और बहुत सारा इसी तरीके के पुराने कपड़ों का रियूज कंटेंट मैंने अपने चैनल पर डाला है, तो आप वहाँ जाकर एक बार ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, इसी तरीके की और भी नए नए वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए फ्रेंड्स, दो चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में और शो करती हूँ कि ये भी मैंने अपने चैनल पर बनाकर डाला है, इसके वीडियो भी मेरे चैनल पर डले हैं। अगर आप इस तरीके की फ्लोर सोफा घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से जींस के पैंटों से बनाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। और ये जो पुरानी बकेट होती है, बाल्टी होती है, उससे मैंने ये बहुत ही आसान तरीके से स्टूल बनाना बताया है। अगर आपको ये बनाना सीखना है तो इसकी दोनों की, फ्लोर सोफा की और इस स्टूल की, दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप ज़रूर वहाँ जाकर देखिएगा। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, आप अपने पुराने टी शर्ट और पुराने टॉप का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, बिना काटे बिना सिले, और ये बहुत ही लाइट वेट होता है। अगर आप इसमें कॉटन डालेंगे तो और भी ज़्यादा लाइट वेट होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरीके के एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।